करते हैं जमशेदपुर की ही, जहां जमशेदपुर में महिला हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए महिला कल्याण समिति व मेराकी ट्रस्ट और महिला थाना के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि घरेलू हिंसा को किसी तरह रोका जा सके। जहां मेराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो और महिला कल्याण समिति के सचिव अंजलि बोस ने कहा कि आए दिन महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह के फर्जी ऐप बनाकर लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ गलत किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी फर्जी ऐप पर पाबंदी लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए ताकि लड़कियां सुरक्षित रहें। हम लोग को ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम लोग केस नहीं करते हैं, हम लोग समझा के बुझा कर। महिला पर तो हिंसा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंसा तो पूरा बंद नहीं कर सकते मगर कम कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस हम लोग यहाँ सॉल्व भी करते हैं और उसमें हम लोग सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं। दिक्कत तो होती है मगर हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, 20 साल पहले शुरू किए हैं, अभी भी अब करेंगे भी, और जब तक ये शोषण बंद नहीं होगा ये हम लोग का उद्देश्य है इसी को लेकर। और हमारे जो अभी यहाँ महिला थाना है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने ऑफिसर्स भी आ रहे हैं ना बहुत अच्छा हम लोग के साथ मिलजुल के एक संजोग हम लोग के साथ। क्या की संस्था की ओर से महिला कोषांग महिला थाना में मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। विभिन्न बहुत सारे संस्थाएं हमारे साथ यहाँ पे आई हैं। यूथ जनरेशन युवा वर्ग जो है कम उम्र की लड़कियों को कुछ ऐसे ऐप्स का निर्माण किया जा रहा है जिसके माध्यम से इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, इन लोगों के साथ गलत काम हो रहा है, कुछ वीडियो कॉलिंग्स वगैरह हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, लड़कियाँ घर छोड़ के बाहर जा रही हैं, जिनके लिए मुझे सरकार से प्रशासन से एवं तमाम बुद्धिजीवी लोगों से और कई संगठनों से ये गुजारिश है कि हम सब मिलके ऐसे ऐप्स और ऐसे सोशल मीडिया के बारे में जानकारी ले और लड़कियों को खासकर बचाए ताकि जमशेदपुर की कोई भी लड़कियां इस तरह के किसी भी ऐप के चुंगल में ना फंसे और लड़कियां सुरक्षित रहे, सावधान रहे। गार्जियन को भी ज़रूरत है कि इस तरह की किसी भी हरकत को अपनी बच्चियों को ना होने दें, उन पर नज़र रखें, ध्यान दें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, यही हमारी कोशिश है।